लगता है ये इंग्लिश सीखने का फैशन हो गया है. मैंने उनको बोला फैशन नहीं, गलत सोच रहे हैं आप. किसी को भी इंग्लिश सीखने का फैशन नहीं है, नेसेसिटी है. और इस नेसेसिटी के वजह से लोग यहाँ पे आते हैं. टीचर्स, बिजनेसमैन, स्कॉलर्स, हाउसवाइफ्स, स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर्स, सेलिब्रिटी, हर तरह के लोग मेरे सामने आते हैं. और यहाँ आके बैंगलोर में, जयनगर और मल्लेश्वरम में, और वहाँ पे आके वो अच्छी तरह से सीखते हैं. टीचर्स भी आते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में और वो अच्छी तरह से सीख के 2 महीने में वो चले जाते हैं और बेहतर उनके स्टूडेंट्स के सामने उनके नॉलेज ऑफ इंग्लिश रखने के लिए. तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जब भी आप बात करते हैं, इंटरव्यूज में हो या इंटरव्यूज से लेके आगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने व्यावहारिक जीवन में, जब भी आप अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, पहली बात तो यह है कि मुझे आपका कंफर्ट दिखाइए. दूसरी बात यह है कि अपना क्रिएटिविटी दिखाइए. जो इंग्लिश आप जानते हैं उसे बेहतरीन तरीके से मेरे सामने पेश कीजिए. तीसरी बात यह है कि अपना कॉन्फिडेंस भी अब मुझे आपको दिखाना चाहिए. और कैसे दिखाएंगे कॉन्फिडेंस? जहां अंधेरा हो उस अंधेरे में अगर आप आराम से अपने रास्ता ढूंढ ढूंढ कर चलेंगे तो इससे मुझे आपका कॉन्फिडेंस ही नजर आएगा. बात तो यह है कि मुझे अंधेरा है और मैं यहाँ पे रुका हूँ ये सुनने के लिए मैं आपके सामने खड़ा नहीं हूँ. मुझे ये जानना चाहिए कि अंधेरे में आप कैसे चलते हैं. अरे रोशनी जब होगा ना तब सब लोग दौड़ सकते हैं, मगर अंधेरे में धीरे धीरे आप चलते चलते आप उस पड़ाव तक पहुँचेंगे, उस मकाम तक पहुँचेंगे जहाँ पे आपको दौड़ना भी आ जाएगा. तो मुझे पता है कि आपको अंग्रेजी में अंधेरा है, जगह जगह पे अंधेरा है. ए एन द का अंधेरा है, इन विथ टू बाई फॉर का अंधेरा है, विल बी गोइंग, आई एम गोइंग, आई वॉज गोइंग, विल गो, विल बी गोइंग, हैव गॉन, विल हैव गॉन, हैड गॉन, हैज गॉन, उसमें अंधेरा है. अरे कुछ डोंट वरी, कुछ आप सोचिएगा मत, आप आराम से रहिए. मैं आपको इंग्लिश में जो भी आपकी तकलीफ है उसे मैं दूर करूंगा और जरूर करूंगा. देखिए मैं आपको बोलता हूं कि तकलीफ आपको सिर्फ 20 वर्ड्स में है इंग्लिश में. मैंने आपको कहा था कि आप 80% इंग्लिश जानते हैं, मैं गलत हूं. ठीक है आप 80% नहीं जानते हैं, क्षमा कीजिए आप सिर्फ 50% जानते हैं, मगर मेरा काम तो आसान हो गया. आप वर्ड्स जानते हैं, लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं. और इंग्लिश में जो भी मैं वर्ड का इस्तेमाल करूंगा उस वर्ड का बेहतरीन नॉलेज है आपको, मगर इश्यू सिर्फ इतना है कि आपका सेंटेंस फॉर्मेशन में तकलीफ है और उसे दूर करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. अगर आप मेरे सामने 20 घंटे बैठेंगे ना तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि 20 वर्ड्स आपको ठीक तरह से समझा कर मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा. वो 20 वर्ड्स क्या है देखिए, इस, एम, आर, वॉज, वेयर, विल, शैल, हैव, हैज, हैड, डू, डस, डिड, मे, मस्ट, माइट, वुड, कुड, शुड, कैन. ये 20 वर्ड आप नहीं जानते हैं और इन 20 वर्ड ना जानने के कारण आपको बहुत सारे तकलीफ हो रही है. सो देखिए अगर आपको ये 20 घंटे मेरे साथ बिताने का मौका मिलेगा, नहीं तो मेरे वीडियोस देखिए आप, हर वीडियो सिर्फ 3 मिनट 4 मिनट का है. अगर इन वीडियोस को आप देखेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप बेहतरीन तरीके से इन 20 वर्ड्स में एक्सपर्ट हो जाएंगे. पहले एपिसोड में मैंने आपको आई एम सिखाया, मैं आगे जाके आई एम का एक्सप्लेनेशन दूंगा, और आगे जाके आई वॉज, आई एम गोइंग, मैं अब जा रहा हूं, आई वॉज गोइंग, मैं पहले जा रहा था, आई विल गो, मैं बाद में जाऊंगा, आई विल बी गोइंग, मैं बाद में जाता रहूंगा, आई वेंट, मैं जा चुका हूं. इसको मैं कहता हूं 5 फॉर्म्स, और 5 फॉर्म्स अगर आप सीखेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपकी जो नॉलेज है इंग्लिश में वो इंप्रूव होती चली जाएगी और आप बेहतर जरूर बन जाएंगे. नमस्कार, आप ये वीडियोस देखिए और मुफ्त में हिंदी से इंग्लिश आसानी से सीखिए. प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.